सुबह शाम करना, हया के कल्चर को आम करना। अला अला फतवे सुबह शाम करना, हया के कल्चर को आम करना। मेरा नाम तज़ीन इलियास है और मैं डिपार्टमेंट लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। अभी मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ जो कुछ दिनों पहले गुज़िश्ते दिनों में ड्रेस कोड जो कि कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किया गया है। सो मैं इसके सपोर्ट में हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है और इसमें फोकस किया गया है कि किस तरह की ड्रेसिंग एक मुसलमान होते हुए एक पाकिस्तानी होते हुए हमें यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालीमी इदारे के अंदर हमें करनी चाहिए। तो मेनली मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको सही से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ ये रूल जारी कर दिया और जिस तरह कई जगहों पे ऐसा होता है कि रूल तो जारी करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। सो आई थिंक कि इसको अमल करने की ज़रूरत है एंड मोस्टली जो HODs हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको इस पर लाजमी अमल कराना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करने की ज़रूरत है एंड आई थिंक एज़ अ इस्लामिक कंट्री होते हुए, पाकिस्तान के सिटीजन्स होते हुए, हमें इस्लाम को रिप्रेजेंटेशन अपनी ड्रेसिंग से और अपने किरदार से, अपने हर तरीके से हमें करना चाहिए। सबसे पहले ये होता है कि अगर कोई भी बंदा अगर हमारी तरफ मतलब हम अगर किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है वो उसकी ड्रेसिंग पे होता है, इंसान के किरदार का, उनके बातों का, इखलाक का, उसके बाद पता लगता है जब वो बात करने लगते हैं। लेकिन जो सबसे पहले जो इंप्रेशन होता है वो उनकी ड्रेसिंग से होता है। सो आई थिंक ये ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है सोसाइटी के अंदर। सो हमारी ड्रेसिंग से ही पता लगता है कि हम किस तरह के माहौल में रहें, हमारे घर का और हमारे मुल्क का, हमारे दीन का हर हवाले से पता लगता है। सो आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है एंड इसको इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। मैं हूँ आपका मेज़बान हलीम अख्तर लोन और आप देख रहे हैं दिल्ली माउंटेन पास। इस वक्त मैं कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें तुलबा व तालिबात के लिए खुसूसी ड्रेस का उन्होंने तो इस हवाले से हम मज़ीद तुलबा से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या ख्याल रखते हैं इस हवाले से। रहीम, मेरा नाम मदिहा है, मैं एजुकेशन लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आपके क्वेश्चन के मुताबिक कि एक पॉलिसी बनाई गई है वो अप्लाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिसी ये है कि ड्रेस कोड हमारी KIU के अंदर अप्लाई होनी चाहिए बिकॉज़ इसके बहुत सारे रीजंस है। हम एक इस्लामिक कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर हमारे जो लिबास होने चाहिए वो भी इस्लामिक होने चाहिए। यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जाता है जिनकी लिबास में इस्लामिक नहीं समझती हूँ, तो काइंडली अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होती है तो फिर हम सारे उसी हिसाब से आएंगे, तो फिर यहाँ पर किसी को कोई टारगेट नहीं करेगा, कोई किसी को हुडिंग नहीं करेगा, इस जिसकी वजह से यहाँ माशरती बुराइयाँ हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं। लोगों ने देखा कि यहाँ के तुलबा व तालिबात ने ड्रेस कोड के इस फैसले का खैर मकदम किया है, तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि ड्रेस कोड के इस जो फैसला लिया गया है इस पर इम्प्लीमेंट किया